जो एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है उसके बारे में काफ़ी सवाल लोगों के जहन में थे, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए और सारा कुछ पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर आपके साथ उपस्थित है। स्कीम की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको बताने के लिए मैं हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब नोडल ऑफिसर मिस्टर जिंदर गुप्ता जी को इनवाइट करता हूँ कि आप कुछ बताइए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये स्कीम जो है सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर ही लागू हो रही है। जिन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एरियर्स थे हमारे एंडिंग 31 मार्च 2022, उन एरियर्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट था वो सरकार ने वेव ऑफ किया है, और उस अमाउंट में से जब हम उसको वेव ऑफ करते हैं बाकी का जो अमाउंट है एंडिंग 31 मार्च 2022 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सरकार ने ये कहा है कि मैक्सिमम ऑफ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो कंज्यूमर्स को पे करना है, उसको हर महीने एक किस्त तो देनी है, दो भी दे सकता है अगर किसको ज़्यादा अगर वो जल्दी अपना ख़त्म करना चाहेगा, जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा है, दो किस्तें तीन किस्तें चार किस्तें तो वन टाइम भी कोई करना चाहता है तो दे सकता है। उसके बाद अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो बिल है उसमें कुछ भी वेवर नहीं है। जो नया बिल अभी आएगा हमारा, जो भी कंज्यूमर जिसके एरियर ज़्यादा हैं अभी दो बिल आएंगे, दो बिल्स में एक बिल में हमारा सिर्फ एमनेस्टी आएगी, ये सभी आपको एमनेस्टी में ये स्लिप जाएगी। इसमें सबसे पहले एरियर देखे गए हैं 31 मार्च 2022 तक, फिर आ गया इसमें से इंटरेस्ट वेवर, अगर यहाँ पे 1.5 लाख है टोटल, 50 लाख अगर इंटरेस्ट वेवर है तो नेट पेएबल आ गया 1 लाख, 1 लाख को 12 किस्तों में डिवाइड करके यहाँ पे एक किस्त का नंबर आ जाएगा, इतना पैसा उसको मंथली जमा करवाना है, और नेक्स्ट मंथ आपको फिर हर बिल के साथ ये स्लिप जाएगी। ये तो जमा करवाना ही करवाना है, इसके साथ ही हमारा जो दूसरा बिल है जो रेगुलर बिल जिसको कहेंगे उसमें से जो 31 मार्च 2022 को जो हमने जो उसका प्रिंसिपल प्लस वेवर जो इंटरेस्ट है वो हमने निकाल के एमनेस्टी स्कीम में डाल दिया, बाकी का जो उसमें है वो रेगुलर बिल में आएगा, वो रेगुलर बिल में जब जाएगा वो पैसा भी कंज्यूमर को रेगुलरली पे करना है। अगर कोई कंज्यूमर एमनेस्टी क्लियर करना चाहता है तो उसको हर महीने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट तो देनी ही है, साथ में जो रेगुलर बिल है उसको भी क्लियर करना है मंथली बेसिस पे। अगर कोई कंज्यूमर इसको क्लियर नहीं करता है और एमनेस्टी ही क्लियर करता है तो उसको एमनेस्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर किसी कंज्यूमर का सपोज यहाँ पे एमनेस्टी में उसने 1 लाख रुपया देना है तो उसने अगर 99,000 दिया, 1,000 नहीं दिया तो भी उसका सारा बेनिफिट जो है वो फोरफिट हो जाएगा, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यही है इसमें। देखिए जो हमारा बिल आता है अभी उसके अंदर एक ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब है जितना भी पुराना आपके उस कस्टमर नंबर के अगेंस्ट बकाया है ड्यू है वो सारा अमाउंट उसमें मैंशनड होता है। हमने आपको सर्कुलेट किया कागज़, उसके अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो एक कस्टमर का जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1,97,000 है, मतलब उनका पिछले सारे ड्यूज़ मिलाकर आज तक लेटेस्ट इतना बैलेंस बन रहा है। अब जो ये बैलेंस था इसको हमने 1 अप्रैल 2022 की पोजिशन में ज़ीरो कर दिया रनिंग बिल में, उसके बाद का बैलेंस जैसे इनका बन रहा है 29,000 रुपये, मतलब जो अप्रैल के बाद की इनकी कंजम्पशन है, और जो पहले का बैलेंस है उसका हमने एक अलग बिल जनरेट किया है जिसको एमनेस्टी बिल कहते हैं, वो साथ में यहाँ पर अलग से हम इशू करेंगे। जैसे इन कस्टमर का 1,62,000 रुपया 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग था, अब इसके अंदर जो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा जो उन्होंने एनर्जी या बिजली कंज्यूम करी है उसकी कॉस्ट, और एक रहेगा जो उनके ऊपर पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट वगैरह लेट चार्जेस वगैरह पड़े। तो जो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट चार्जेस है गवर्नमेंट ने अपनी एमनेस्टी स्कीम में उसको वेव ऑफ कर दिया है, तो एवरेज 30-40% रिलीफ इसमें हर एक कस्टमर को
मिलेगा, कईयों को तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है, 60% तक भी मिल रहा है, और जो बाकी का अमाउंट बचता है उसको 12 किस्तों में एक साल में, जैसे एस सी साहब ने बताया, उसको हमें जमा करना है। भुगतान के सारी ऑप्शंस हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। कस्टमर नंबर एमनेस्टी बिल पर जो है, अगर कस्टमर ने अपना एमनेस्टी का बिल पे करना है तो कस्टमर नंबर एमनेस्टी बिल वाला यूज़ करेंगे, अगर नॉर्मल बिल पे करना है तो कस्टमर नंबर नॉर्मल बिल वाला यूज़ करेंगे। और जेके बैंक के अंदर ये सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है, उनकी ऐप्स जो हैं एम पे, ईजी कलेक्ट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और जो हमारे गांव-गांव में खिदमत सेंटर हैं उसके अंदर, और सारे जो इसके मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं जिसमें आधार बेस्ड पेमेंट, कैश बेस्ड पेमेंट, यूपीआई बेस्ड, कार्ड बेस्ड, सब इसमें अनेबल कर दिए गए हैं। और जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम वो सिस्टम्स को भी इसमें इंक्लूड करवा देंगे।